बागवान भाइयों नमस्कार। जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये सुपर चीप और रेड चीप लगी है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रूनिंग गलत तरीके से की गई है। आप इन पेड़ों को देख सकते हैं, जैसे फूलों की तरह गुलदस्ते बने हुए इसमें। यदि प्रूनिंग गलत हो तो इस तरह से पौधे का डाया गलत बन पाता है। इसमें जो मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ इसमें सिर्फ बीम में कम कर रहा हूँ, क्योंकि इतने छोटे पेड़ों में हज़ारों की मात्रा में बीम में फसल तो आ जाती है पर साइज बिल्कुल जीरो रहता है। सीडलिंग में लगे हुए प्लांट यहाँ देख सकते हैं, इसमें जितने कर भी टहनियाँ निकली है सारे लीडर बने हुए पूरे गुलदस्ते की तरह। तभी मेरा सुझाव बागवानों को बार बार रहता है कि भाई प्रूनिंग का होना बहुत ही जरूरी है। यदि प्रूनिंग पहले से ही सही ढंग से की जाए तो पेड़ों के ऐसे हाल नहीं होते हैं। देख पा रहे जो प्लांट देख रहे हैं आप, छः छः साल के प्लांट है। वैरायटी तो अच्छी लगी है सुपर चीप और रेड चीप, क्योंकि इन वैरायटियों में ग्रोथ थोड़ी कम होती है, बीमे ज़्यादा। इनका कुछ डाया ही अजीब बनाया हुआ है यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हज़ारों मात्रा में बीमे है, क्योंकि अब हमने सिर्फ इसमें बीमे कम करने होते हैं ताकि इसमें साइज आए। यहाँ देख सकते हैं आप इन प्लांटों को। यदि प्रूनिंग की सही जानकारी ना हो तो इस तरह से प्लांट बन पाता है। तभी मेरा सुझाव बार बार बागवानों से रहता है कि भाई प्रूनिंग पहले से ही सही ढंग से करें, नहीं तो बाद में हमें कि ऐसा बस्ताना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप लीडर मल्टी लीडर दोनों चलाए हुए साथ, इसमें कोई साफ ही नहीं भाई लीडर मल्टी लीडर का। जो भी टेना निकला वो एक खड़ा चलाया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप क्योंकि पौधे का डाया प्रूनिंग से ही बनता है। यदि हम प्रूनिंग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो पौधा भी इस तरह से बन जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में प्रूनिंग का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी बागवान सोचते हैं कि भाई हम भी नई स्पर वैरायटी में जाए। यदि उसमें प्रूनिंग सही ना हो तो इस तरह से पेड़ बन जाते हैं और फिर हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ देखो आप कितने कितने कट लग रहे हैं इसमें, मोटे कट जो मार रहे हैं ताकि इसमें पीछे शूट निकले। यहाँ देख सकते हैं पूरा एक गुलदस्ते बनाए हुए, क्योंकि मैं तो अभी फर्स्ट साल ही प्रून कर रहा हूँ इनकी। यदि मैं पहले से इसमें प्रूनिंग करता तो शायद इसका डाया कुछ और बन पाता। क्योंकि सबसे जरूरी प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग का सही करना। क्योंकि सबसे पहले प्रूनिंग को सीखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप तो पूरे फूल की तरह गुलदस्ते बने हुए इन पेड़ों में। पेड़ को पहले ही सेंट्रल लीडर में ले जाए, क्योंकि हमें पहले लीडर ही मोटा चाहिए।